पश्चिम बंगाल के जनप्रिय नेता और मुख्यमंत्री, हमारी बहन ममता बनर्जी मंच पर बैठे हुए सभी विविध पॉलिटिकल पार्टी के नेता साथी और लाखों की संख्या में जमा हुए देश की और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए तैयारी रखने वाले आप सब बहनों और भाइयों, मुझे आश्चर्य लगा कि पिछले 5 घंटों से आप यहाँ बैठे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए नेता लोगों के विचार सुनते हैं और जिस तरह से आप एकता का दर्शन दिखाते हैं, इससे हम मंच पर बैठने वाले सब हमारे साथी हैं, सभी की उम्मीद बढ़ गई है। और ये उम्मीद बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया, इसलिए शुरू में आपका मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और आपको यहाँ संगठित करने का काम ममता जी ने किया, इसलिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। कई ऐसी बातें आपके सामने अभी आ गई 5 साल में। देश की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोगों के हाथ में गई, जो कई विश्वास उन्होंने देशवासियों को दिला था, इसे धोखा देने का काम हुआ। इस नतीजे पर आज देश की जनता पहुंची है। कई ऐसी बातें हैं कि जिसका जिक्र यहाँ किया गया। प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशन महत्व की बात होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मेहनत करके इस देश को संविधान दे दिए, आज इस संविधान पर हमला हो रहा है। देश की जो महत्वपूर्ण संस्था काम करती है, इस पर हमला हो रहा है। चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सीबीआई जैसी संगठन हो, हम सब लोग देख रहे हैं कि उनके ऊपर हमला करने का प्रयास आज मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और इस सभी का नतीजा क्या दिख रहे हैं? उन्होंने कुछ कदम उठाए, नोटबंदी का कदम उठाया, नई टैक्सेशन की नीति के कदम उठाए। इस सभी का परिणाम क्या हमें देखने के लिए मिलता है? गांव में रहने वाला किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है। करोड़ों लोगों की भूख की समस्या जिन्होंने खत्म की, मेहनत की, वह किसान आज आत्महत्या के रास्ते पर जा रहा है। उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और यह स्थिति आज जिन लोगों ने देश में फैसला की, इन लोगों को दूर करना आपका और मेरा फर्ज है। और इसीलिए आज ममता जी ने यहाँ सभी को बुलाया। मैं हमारे सभी साथी की तरफ से ममता जी को और आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम मिलकर जो भावना लोगों की है वो पूरी करने के लिए बार बार कोशिश करेंगे। इसके लिए जो हमारे साथ मिलकर काम करने की और एकता की दर्शन देने की जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। कई लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि ये जो संगठन है, जो मंच पर बैठे हुए, वो साथ नहीं रहेंगे।
प्रधानमंत्री या और कुछ पद के लिए इसमें झगड़े हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर किसी पद की अपेक्षा के लिए यहाँ आए नहीं है, हम आए हैं देश को बदलाव की जरूरत है, हम आए हैं मिलकर आप लोगों की हितों की रक्षा करने की। और ये वादा मैं आपको करना चाहता हूँ, आज तक मेरे जैसे सभी जो हमारे सीनियर साथी हैं, इन सभी साथियों को आप जैसे देशवासियों ने बहुत कुछ दे दिया। मेरे जैसे आदमी को 50 साल तक लगातार चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो वहाँ भेजने का काम किया, चार चार बार एक राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दिए, भारत सरकार में कई साल काम करने का मौका दे दिया। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप लोगों की हितों की रक्षा, हमें चाहिए किसानों की हितों की रक्षा, हमें चाहिए नौजवानों का भविष्य उज्जवल कैसा हो सकता है, हमें चाहिए समाज के महिला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनकी हितों की रक्षा। और इसीलिए हम आपसे वायदा करना चाहते हैं, मिलकर वायदा करना चाहते हैं, हम साथ रहेंगे, मिलकर आपके हितों की रक्षा करेंगे। और इसी काम के लिए आज देश में जो मोदी सरकार है उसको परिवर्तित करने के लिए सब मेहनत करेंगे, यही भरोसा मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। आप सभी के साथ लेकर इस देश में नई हुकूमत हम लाएंगे लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए, यही करके मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला।